आशा जी, आप वेंचर कैपिटलिस्ट हो गई हैं, 30 साल से सिलिकन वैली में रहती हैं। सिलिकन वैली में क्या ख़ास बात है कि वो 450 मील की स्पीड पे जाती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो 40 की स्पीड पे जाती है? वो क्या खसूसियात हैं सिलिकन वैली की जो लोग कॉपी करने के बावजूद भी कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, और वो क्या चीज़ें हैं जो उनको समझ में नहीं आती कि आम आदमी को जो वहाँ नहीं गया कभी? बहुत लोग पूछते हैं, रशियन गवर्नमेंट, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, सब लोग पूछते हैं कि वो मैजिक फॉर्मूला है क्या। वो उसमें अकॉर्डिंग टू मी उसमें 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो है कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ आर देयर, यू नो, स्टैनफर्ड, यूसी बर्कली, सब कुछ है वहाँ। और हमारे, यू नो, सेकेंड थिंग एक्चुअली इफ़ यू is really, you won't believe, the second thing is Indians and Pakistanis, our people, brown people. You know, when people came from almost from 1960s, jo computer industry jo hai na, usme pehle se Indians and Pakistanis have played a leading role. Lekin India mein aur Pakistan mein hamare log, they are not doing well. The same people India mein aur Pakistan mein shine nahi hote, सिलिकन वैली में, अमेरिका में पहुंचे, सडनली दे आर एट क्रिएटिव स्टार्स। व्हाई? दैट्स अ क्वेश्चन टू आस्क, राइट, कि क्यों? एंड द क्वेश्चन, आई मीन, दैट्स इम्पोर्टेंट, रिहान, दैट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई थिंक इट हैज अ लॉट टू डू विद द फैक्ट दैट दिस इंडिविजुअल फ्रीडम टू एक्सेल, टॉप यूनिवर्सिटीज, एंड अ माइंड सेट ऑफ सेइंग मैं किसी बात से नहीं डरूंगा, बस आई एम गोइंग टू बी doing what I think is my merit, you know, my skill, mera talent jo hai, wo uske liye, wo jo question jo hai na, that is important, you see, or that is something that hamare desh mein, India mein to hamare bacche ko hum teach karte hain ki bhai, you know, bado ki suno, or you know, why is it that in, for example, in India, I know India better, why is it that the creative minds jo hai India mein, wo wahan kuch paida nahi karte, America pahunche to suddenly they're creative, wo kyun? Hum to bahut poochte rehte hain is bare mein. Silicon Valley hi kyun? Wo Idaho mein bhi wo creative nahi ho raha hai, wo Wisconsin mein bhi nahi ho raha hai, wo Texas mein bhi nahi ho raha hai, Silicon Valley mein aisi kya khaas baat hai, kaun sa pani aata hai wahan pe jiski wajah se log ज़्यादा तरक्की, स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा है, बाकी सारा अमेरिका भी उसको कॉपी नहीं कर सका? दी देर आर वेरियस एलिमेंट्स, के वन इज ऑफकोर्स की हिस्ट्री है कि पहले जब यूरोप से जब सेटलर्स आए अमेरिका में, तब उनको दे डिड नॉट, देखो वो तो सब एरिस्टोक्रेसी थे, राइट, तो वो धीरे धीरे जब ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट आए गोल्ड रश में, स्पेशली फॉर गोल्ड माइनिंग, तब से जो एंटरप्राइजिंग माइंडसेट जो है ना अमेरिका का, वो कैलिफोर्निया का, दैट इज़ नॉट, यू आर राइट, इट्स नॉट देयर, वो दूसरे स्टेट्स में नहीं है, यू नो, एंड सो आई थिंक दैट सो दैट्स वन थिंग, ओके, इट्स अ माइंडसेट कि भैया करेजियस, नो फियर अबाउट एनीथिंग, ओके, वो है एक तो। दूसरा ये है कि टॉप यूनिवर्सिटीज आर देयर, और वो द नेशनल ऑल्सो, इवन द नेशन, even Washington DC invests a lot, okay, in spending for university research. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सिलिकन वैली का कल्चर जो है ना वो फेलियर को प्रमोट करता है, वो मॉक नहीं करता, अगर कोई CEO दो दफ़ा फेल नहीं हुआ है तो उसकी तो कदर कम होती है, जब कोई दो दफ़ा फेल हो जाता है तो वो ज़्यादा कदर वाला हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि फेलियर क्या होता है। तो कल्चर आपके ख्याल में कितना परसेंट रोल प्ले करता है सिलिकन वैली की स्पीड के अंदर? क्योंकि यू नो, माइक बिल गेट्स भी हार्वर्ड से पढ़ के उधर जाता है, ज़करबर्ग भी हार्वर्ड से पढ़ के जाता है, ऑफ कोर्स लैरी और सर्गे नहीं जाते, बट जो भी बंदा सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता है वैली जाता है वो जाके सक्सेसफुल होने लगता है, क्योंकि वहाँ का क्या उसके कल्चर में कोई खास ऐसी बात नहीं है जो सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योरशिप को? नहीं, कल्चर सपोर्ट्स इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी इज द लुक, दैट इज द सीक्रेट ऑफ होल यूनाइटेड स्टेट्स एक्चुअली, बट इन कैलिफोर्निया इट मल्टीप्लाइज, राइट, बिकॉज इट्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स, एंड ऑल्सो बाय द वे, नॉट टू अंडरमाइन गुड वेदर इज ऑल्सो देयर,
यू नो पूरा साल देयर इज नो स्नो एंड दिस एंड दैट. ऐसा तो MIT हार्वर्ड में 6 महीने तो मिजरेबल वेदर है ना. सो गुड वेदर, गुड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड यू नो हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल्सो रिहान रिमेंबर वन थिंग, पीपल हेल्प ईच अदर ओके फॉर नो रीजन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओपन कल्चर है, ओपन यानी कि जो नॉर्मली हमारे यहाँ तो कोई बात करने से पहले भी वो कहते हैं NDA साइन करो, जबकि सिलिकॉन वैली में आप जाओ कॉफी शॉप में जस्ट सो दैट बातें आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने आइडिया खुशी से बता रहे होते हैं, ले भाई चोरी कर ले, तो होता नहीं है चोरी. तो इट इज ट्रस्ट, इट इज अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट यू नो. एंड सो दैट इज व्हाट आई थिंक इज अनदर थिंग दैट वो हो रहा है हमारे यू नो. इट्स सो दिस इज व्हाई व्हेन वी हैव द राजीव सर्कल फेलोशिप आई इंसिस्ट कि बच्चे लोग वहां से यहाँ आए, पालो आल्टो आए, नहीं तो विदाउट दैट हाउ आर दे गोइंग टू अंडरस्टैंड कि you to experience the culture, right? So anyway, thank you. Now I